जा रहे हैं ईयरबड का, जो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, मतलब बोट ऑडियो एयरबेस Q10 का ही यही बॉक्स है। तो इसके हम अनबॉक्स करेंगे, तो अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। देख सकते हैं कि बैक साइड मतलब फ्रंट साइड ऐसे देखने को मिल जाता है। अब बैक साइड देखा तो कुछ यहाँ फंक्शन देखने को मिल जाता है, मतलब स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, तो इसमें एडिट कर लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट करता है, टच कंट्रोल, कॉलिंग एंड म्यूजिक कंट्रोल, ब्लूटूथ 5.0, ऑटो पेयर, बोथ ईयरबड मास्टर, स्टूडियो कॉलिंग एंड माइक। और इसके प्राइस की बात करूँ तो मैं 4,999 देखूँ, मतलब लगभग 500 रुपये, 5,000 रुपये का ये बहुत महंगा है यार, इतने में कौन खरीदेगा। तो देख सकते हैं कि एयरबेस Q10 देखने को मिल जाता है, मतलब पूरा नाम यही है, बोट ऑडियो एयरबेस Q10। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। खुल जा, खुल गया, खुल गया। बोट की तरफ से यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें कार्तियर एक साल की वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। चार्जिंग USB केबल देख सकते हैं कि माइक्रो USB केबल मतलब चार्जिंग होने के लिए दिया गया है, मतलब छोटा सा देखने को मिल जाता है। ये एक्स्ट्रा ईयरबड जो देख सकते हैं कि ये स्मॉल साइज है, ये मीडियम साइज के लिए है, मतलब जो कान छोटा बड़ा है इनके लिए है। फिर चलते हैं इस ईयरबड की तरफ, मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब यहाँ ब्रांडिंग देखने मिल जाती है वाइट कलर का, मतलब बोट ऑडियो का। जैसे यहाँ बैक साइड देख सकते हैं कि यहाँ माइक्रो USB का पोर्ट देखने मिल जाता है, मतलब टाइप सी मिलता तो और अच्छी बात रहता, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर कुछ हैंगर देखने मिल जाता है टंगाने के लिए, रस्सी से बांध के टंगा सकते हैं किचन की तरह। और साथ ही यहाँ ब्लैक कलर का देख सकते हैं मटेरियल देखने मिल जाता है, मैंने प्लास्टिक मटेरियल। वेट की बात करूँ तो मतलब 200 ग्राम, 100 ग्राम देखने मिल जाता है, लाइट वेट भी है, कंफर्टेबल भी लग रहा है। और फुल्ली प्लास्टिक का देखने मिल जाता है, इसका जो मटेरियल प्लास्टिक का देखने मिल जाता है। और जैसे ब्लैक कलर मतलब इन्फेक्ट कर दे रहा है, मतलब अट्रैक्टिव कर दे रहा है कि मैं देख के हाँ ये देखो भाई यही एक ईयरबड है। ओपन करते हैं, तो ओपन करने के यहाँ घर गैप दिया गया है, यहाँ गैप में प्रेसर करते हैं फिर खोलते हैं, तो खोल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ग्रे कलर देखने मिल जाता है, जैसे ग्रे ऊपर नीचे ग्रे है। और देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट राइट देखने मिल जाता है, जस्ट पीछे में सेंटर में LED लाइट देखने मिल जाता है, जो कि अभी ऑफ है। तो यहाँ ये LED लाइट में इंडिकेट करता है कि ये चालू हो गया है, मतलब यहाँ रेड और ब्लू लाइट देखने मिल जाता है। देख सकते हैं दोनों ईयरबड यहाँ रखे हुए हैं, तो इसको हम ईयरबड को अभी निकालते हैं। जैसे अभी मतलब बंद है, अभी स्विच ऑफ है, नहीं स्विच ऑफ में तो ऑफ है अभी, तो अभी हम ऑन करते हैं। ऑन करने पर क्या क्या करें, ईयरबड निकालना है, देखो ऑन हो गया है। केस की बात तो हो गया, अब ईयरबड की बात करते हैं। देख सकते हैं ईयरबड में जस्ट ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, बोट ऑडियो का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। और यहाँ लेफ्ट साइड देख सकते हैं यहाँ माइक देखने मिल जाता है, यहाँ राइट साइड में जो पॉइंट देखने मिल जाता है, ये पॉइंट मतलब इंडिकेट करता है लाइट को, मतलब ये जस्ट ऑन ऑफ है। और यहाँ पर ईयरबड देखने मीडियम साइज का ईयरबड है ये, और यहाँ ग्रे कलर का देखने मिल जाता है। ये पिन देखने मिलता है, ये जस्ट पिन है, मतलब यहाँ से टच होकर चार्ज होता है। ये देख L लिखा है लेफ्ट के लिए ये है, और ये लाइट के लिए है, मतलब जस्ट सेम है इन दोनों के लिए। बीच में ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, जैसे यहाँ टच स्क्रीन भी है, टच कंट्रोल भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल अभी मैं बस हो गया, जस्ट मैं सैमसंग जैसे दिख रहा है, मैं जस्ट सैमसंग नहीं सोनी जैसे, क्यों सैमसंग ईयरबड की तरह ही जैसे दिख रहा है, सोनी की तरह भी ये दिख रहा है। मैं दोनों दिखा दूँगा आपको, जस्ट शो करा दूँगा, ऐसे ही दिखता है ईयरबड की, सेम है। बस यही बात दिक्कत है कि मतलब ब्रांडिंग दे दिया, अगर ब्रांडिंग अगर नहीं देता तो अच्छी बात है। ईयरबड की कम्फर्टेबल की बात करूँ तो मतलब आप दोनों कान में मैं लगा चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ठीक रहेगा, तो आप मतलब गिरने के चांस तो नहीं है इसमें। मैं ऐसे ही दौड़ सकते हैं, मैं दौड़ने के लिए काफ़ी ठीक है, साइकिल वाइकिल बैठ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, गिरेगा तो नहीं। और सिर्फ कान को एकदम से तोड़ देता है, बाहर की आवाज़ सुनाई देगा नहीं, जैसे ये बात है, दिखता भी है कि ये बड़ा है। बेटी की बात करूँ तो ब्लूटूथ 5.0 देखने मिल जाता है, जो कि इसमें iOS एंड्रॉयड दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी मिनिमम रेंज है 10 मीटर, जो कि काफ़ी अच्छी। ईयरबड की साउंड क्वालिटी चेक करें, पर इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ओपन कर रहे हैं, तो ओपन हो चुका है, चलिए इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने आसान तरीके, इसको बस खुल गया, चलो इसको हम साइड देते हैं, इसको हम कनेक्ट कराते हैं। देख सकते हैं ये रहा ईयरबड है दोनों ही, इसको हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कराते हैं, तो हम ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं।
देखते हैं बोट आडी एयरबेस क्यूटन, मतलब यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, यहाँ बैटरी दिखा सकता है। चलिए इसका हम साउंड क्वालिटी चेक करते हैं अभी, जस्ट आपको मैं साउंड सुना देता हूँ माइक के थ्रू। तो हम यहाँ पर गाना लगा देते हैं। 5 minutes later साउंड क्वालिटी की बात करो तो मतलब काफ़ी तक ठीक जगह मिल जाता है, मतलब साउंड क्वालिटी बेस्ट है, एकदम बेस्ट नहीं है, मतलब एकदम काफ़ी तक साउंड सुना जाता है। अब बेस की बात करो तो बेस हाँ, इस फ्रेंच प्रोडक्ट काफ़ी तक बेस ठीक है, और नॉइज़ कैंसलेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे कि बाहर की आवाज़ आपको सुनाई देता नहीं है। मुझे अब जस्ट अभी बोल रहा था तो मुझे भी सुनाई दे रहा नहीं है अभी, क्योंकि ईयरबड लगा है जिससे कि अब काफ़ी तक कम कम सुनाई दे रहा है। इस फ्रेंच प्रोडक्ट काफ़ी हद तक ठीक है और फुल्ली कवर रहता है जिससे कि मतलब बाहर की आवाज़ सुनाई देता नहीं है, बस यही बात है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टच कंट्रोल की बात करो तो एकदम फास्ट देखने को मिल जाता है। अभी जस्ट मैं आपको देख कर दिखा देता हूँ, तो अभी जैसे ये वीडियो मैं ऑन कर दिया हूँ तो इसको जस्ट नेक्स्ट मोड में जाना है, तो आगे डबल टैप करना है, डबल टैप हो गया है मतलब नेक्स्ट वीडियो में आ गया है। जैसे प्रीवियस में जाना है आपको, अभी प्रीवियस में करना है, प्रीवियस में फिर जाना है आपको, आगे जाना है आपको, तो ऐसा चल रहा है। पॉज प्ले भी कर सकते हैं आप, एक बार बस एक बार टैप करेंगे तो पॉज प्ले हो जाएगा। डबल टैप करते हैं नेक्स्ट मोड, प्रीवियस मोड दोनों हो जाता है, मतलब साइड में दो सेकंड आप होल्ड करके रखते हैं तो गूगल से असिस्टेंट चलता है ये सीरप। अगर आपको कॉल से मतलब कॉल करना है जैसे जैसे मतलब होल्ड मतलब कट करना है, तो आगे वन लेफ्ट साइड में एक बार क्लिक करना है, कॉल कट हो जाएगा। आंसर करना है तो एक बार क्लिक करना है, राइट साइड में आंसर उठ जाएगा ऑलरेडी। रेटिंग की बात करूँ तो वाटर रेस्टिंग की बात करूँ तो IPX5 देखने में मिल जाता है। बात करूँ तो लो लेटेंसी देखने में मिल जाती है इस गेमिंग ईयरबड में, तो आप इसे आराम से गेम प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैटरी की बात करूँ तो काफ़ी हद तक मैं एक्सपेक्टेशन किया 24 घंटा प्ले टाइम देखने मिल जाता है, तो भाई कंपनी ऐसे में कर रही है, कंपनी बता रही है कि 24 घंटा प्ले टाइम देखने को मिल जाता है, तो भाई ऐसी बात नहीं है, मतलब 24 घंटा देखने मिलता नहीं है, तो मैं मतलब 10 घंटा आपको देखने मिल जाता है प्ले टाइम। तो आप आसानी से मूवी देख सकते हैं, मतलब छोटे 4 मूवी आप देख सकते हैं, बस 4-5 मूवी देख सकते हैं एक दिन में। उनकी फैसले की बात करते हैं तो आपको खरीदना कि नहीं खरीदना तो मैं फैसला करूँगा, तो आपको 3 चीज़ की दिक्कत रहना पड़ेगा। पहली बात है कि आपके टाइप से पोर्ट देखने में मिलता नहीं है, दूसरी बात कि साउंड मतलब इसके जो प्लास्टिक मटेरियल है मतलब काफ़ी तो ठीक है, मतलब ठीक है तो प्राइस पॉइंट पर काफ़ी तो ठीक है, मतलब टूटने चांस ज़्यादा दिख जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ इसमें एक दिक्कत यह है कि भाई ढक्कन तो ढीला है, इसमें ढक्कन बहुत ढीला है, ये टूटने का चांस इसलिए दिख जाता है, बस और कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर काफ़ी ठीक है, कंफर्टेबल है, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी से ठीक रहेगा। अब इसकी प्राइस की बात करूँ तो मतलब 1500 रुपये में आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना सही वीडियो है, और खासकर कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ढूंढना, अगर भूल भी जाता तो हम याद दिलाते रहेंगे क्योंकि हमारा काम ही याद दिलाना। ओके बाय। तू हाई चक्कर 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 हूँ मैं।